चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये हमारा चौथा पार्ट है, थ्री पार्ट हम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। यहाँ पर फिटर मेंटेनर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे। 60 क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, 61 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या धातुमल समावेश का कारण है? तो अनुचित इलेक्ट्रोड गति हमारे धातुमल समावेश का रीजन है। अगला क्वेश्चन हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से माइक्रोमीटर से लिया गया है और यहाँ पर पूछा गया है कि मीट्रिक माइक्रोमीटर में थिंबल का संपूर्ण परिक्रमण कितना अग्रमण करता है। यानी कि यहां पर पूछा गया है कि मीट्रिक माइक्रोमीटर में यदि हमारा थिंबल एक रोटेशन कंप्लीट करता है, उस कंडीशन में हमारा स्पिंडल कितना आगे बढ़ेगा। तो यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर थिंबल को हमने 50 बराबर भागों में डिवाइड किया गया है। यानी कि जो हमारा थिंबल है उसमें हमारे 50 डिवीजन होते हैं और इसमें एक डिवीजन की जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है, 0.01 मिलीमीटर होती है। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक बोलते हैं। अब यहां पर बोला क्या गया कि थिंबल का संपूर्ण परिक्रमण लगा रहा है, पूरा रोटेशन कर रहा है, तो डेफिनेटली बात है कि एक डिवीजन की वैल्यू 0.01 मिलीमीटर है, 50 डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 मिलीमीटर। या फिर आपको क्लियर होना चाहिए कि मीट्रिक माइक्रोमीटर के स्पैंडल पर जो थ्रेड कटी होती है उसकी पिच हमारी 0.5 मिलीमीटर होती है और वह थ्रेड हमारी सिंगल स्टार्ट थ्रेड होती है। इसलिए हम थिंबल को एक संपूर्ण चक्कर लगाने पर हमारा थिंबल 0.5 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, एक बैंड स्निप इज यूज्ड टू, तो स्निप और सीयर का यूज हम किस लिए करते हैं, सीट की कटिंग के लिए करते हैं। यहां पर ऑप्शन मिल जाता है, फर्स्ट ही कट द सीट अलोंग कर्व्ड लाइन, तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो उन्होंने दिया कि बैंड द सीट, क्या हम सीट को मोड़ने के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। रिमूव द बर को रिमूव करने के लिए नहीं करते, या फिर मेक होल्स इन द सीट, बिल्कुल नहीं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहां से करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यहां पर क्लियरेंस आर गिवन बिटवीन बोल्ट्स एंड होल इन असेंबल्स फोर, तो आपको क्लियर होना चाहिए जो हमारा होल और बोल्ट होता है, जिस होल में हमें बोल्ट को फिट करना है उसमें हम कुछ क्लियरेंस प्रदान करते हैं, तो वहां पर वो क्लियरेंस का हमारा क्या पर्पस होता है। देखिए कितना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्या पर्पस होता है, जो हमारा थोड़ा बहुत मिसअलाइनमेंट होता है उसको एडजस्ट करने के लिए वो क्लियरेंस बहुत काम में आता है। यानी कि यदि हमारे हॉल में प्रॉपर तरीके से एक ही सीध में हमारा हॉल नहीं है जहां पर हमें बोल्ट को फिट करना है, तो वहां पर जो हमारा क्लियरेंस दिया गया है वो हमें मदद करेगा। यानी कि एडजस्टिंग फॉर स्लाइट मिसअलाइनमेंट, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो 65 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है और बोला गया है द इंक्रीज और डिक्रीज इन डायमीटर अलोंग द लेंथ ऑफ अ सिलेंड्रिकल इज कॉल्ड, सिलेंडर इज कॉल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर बोला क्या गया है कि एक सिलेंडर की हमारी लेंथ में इस प्रकार से डायमीटर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम टैपर कहते हैं, टैपर जॉब कहते हैं। तो इस प्रकार से समान रूप से यदि हमारा डायमीटर बढ़ता या फिर घटता है वो हमारा क्या कहलाता है, टैपर कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि कार्बाइड्स के प्रमुख मिश्र धातु तत्व क्या होते हैं। यहाँ पर कार्बाइड्स के बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे जो कार्बाइड्स होता है उसके प्रमुख जो मिश्र धातु तत्व होते हैं वो कार्बन और टंगस्टन होते हैं। तो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट है। कार्बन उसे हार्ड बनाता है और टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन उसे जो है हाई टेम्परेचर पर वर्क करने के लिए काम में लाता है। यानी कि देखिए हमारा जो कटिंग टूल है उसमें हमारे थ्री गुण का होना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला हमारा होता है रेड हार्डनेस, कोल्ड हार्डनेस और टफनेस। तो टंगस्टन जो है वो रेड हार्डनेस को बनाए रखता है कटिंग टूल में। कार्बाइड्स के टूल में रेड हार्डनेस को बढ़ाने के लिए टंगस्टन की मात्रा बहुत अधिक होती है और ये इसका मुख्य मिश्र धातु तत्व के रूप में जाना जाता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए रेड हार्डनेस क्या होती है, जिससे कि हमारा जो कटिंग टूल है वो उच्च टेम्परेचर पर भी वर्क कर सके, इसको हम रेड हार्डनेस बोलते हैं। और कोल्ड हार्डनेस यानी कि कम टेम्परेचर पर भी हमारा वर्कपीस काम कर सके, उसे कोल्ड हार्डनेस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 67 का है कि द प्रोसेस ऑफ इम्बेंडिंग द एब्रेसिव ग्रेन्स ऑन द लैपिंग प्लेट इज कॉल्ड। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला क्या गया है कि हमारी जो लैपिंग प्लेट होती है
उसमें एब्रेसिव कण को अंदर डालना यानी कि इम्बेंडिंग करना, उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आपको ये तो क्लियर है कि हमारी जो लैपिंग प्लेट है वो हमारी काफी सॉफ्ट मेटल की बनी होती है, लाइक कॉपर की, एल्यूमिनियम की, कास्ट आयरन की। अब हम इस प्लेट के अंदर एब्रेसिव कणों को डालते हैं, इम्बेंडिंग करते हैं, उसके बाद हम उसको किसी मेटल के ऊपर रगड़ेंगे तो वहां से वो प्रोसेस पूरी हमारी क्या कहलाएगी? लैपिंग प्रोसेस कहलाएगी। जैसे कि ग्राइंडिंग की बात करें, किसकी ग्राइंडिंग की बात करें, तो वहां पर हम लोगों ने क्या किया था, एब्रेसिव कणों को एक बॉन्ड के माध्यम से जोड़ा था। यहां पर हमने जो हमारे एब्रेसिव कण है उनको एक प्लेट में, यानी कि जो हमारी लैपिंग प्लेट है उसमें हमने उनको डाला, उसके बाद हम लैपिंग कर रहे हैं। तो यहां पर पूछा गया कि जो एब्रेसिव कणों को, जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, उनको हम लैपिंग प्लेट में इम्बेंडिंग करते हैं, वो पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं चार्जिंग प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरफेस फिनिश से याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि द कूलेंट यूज्ड व्हाइल मशीनिंग कास्ट आयरन इज, तो कास्ट आयरन की मशीनिंग करते टाइम आप किस कूलेंट का प्रयोग करेंगे? तो यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए, कास्ट आयरन के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो कास्ट आयरन के लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों? ड्राई एयर का, सूखी हवा का, या फिर बोला जाए नो कूलेंट, कोई कूलेंट का यूज नहीं करते हैं। बिकॉज रीजन क्या है, कास्ट आयरन में फ्री ग्रेफाइट की मात्रा होती है जो हमारे टूल को मदद करती है बिना कूलेंट के काम करने के लिए। तो यहां पर ऑप्शन की यदि बात करें तो पेट्रोल, सॉफ्ट वाटर, सॉल्युबल ऑयल या फिर केरोसिन, हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। डेफिनेटली यहां पर जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, बिकॉज यहां पर हमारा जो कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन के लिए हम किसका यूज करते हैं, या बोल सकते हैं ड्राई एयर, सूखी हवा या नो कूलेंट। क्लियर है? तो यहां पर हमारा गलत क्वेश्चन है क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। सेकंड जो मटेरियल होता है वो हमारा कौन सा, एल्यूमिनियम के बारे में पूछा जाता है। एल्यूमिनियम के लिए हम यूज करते हैं किसका, केरोसिन का, मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन 69 नंबर का है और बोला गया है कि किस प्रकार के गियर में दांतों को गियर के अक्ष से एक कोण पर काटा जाता है। हमारा गियर के एक्सिस से किसी एंगल में जिसमें टीथ कटे होते हैं वो हमारा हेलिकल गियर होता है, जिसमें हमारे गियर के एक्सिस के पैरेलल टीथ कटे होते हैं उसको हम स्पर गियर बोलते हैं। तो यहां पर पूछा गया है कि गियर के अक्ष से किसी कोण पर जब हम टीथ काटते हैं उसको हेलिकल गियर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है द टेल स्ट्रोक इज ऑफसेट बाय द, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। यहां पर इसको मैंने कई बार आप लोगों को क्लियर किया है कि टेल स्ट्रोक हमारा टू पार्ट में बना होता है। वो कौन कौन से पार्ट होते हैं? हमारा बेस यानी कि हमारा आधार और हमारी बॉडी। क्लियर है? और हमारी क्या बॉडी होती है, इन दो पार्ट में बने होते हैं। बेस हमारा लेथ के बेड पर फिक्स होता है और इसकी बॉडी को ऑफसेट किया जाता है लेथ के एक्सिस के परपेंडिकुलर स्लाइड करके। तो आपको क्लियर हुआ हम किसको ऑफसेट करते हैं, बॉडी ऑफ द टेलीस्ट्रोक, टेलीस्ट्रोक की बॉडी को ऑफसेट किया जाता है। कई बार यहां पर ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा स्पिंडल, तो स्पिंडल को हम ओनली स्पिंडल को ऑफसेट नहीं कर सकते हैं, वहां पर हम पूरी की पूरी बॉडी को ऑफसेट करते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर 71 नंबर का पूछा गया था, सरफेस ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील डेवलप्स अ स्मूथ एंड शाइनिंग अपीयरेंस इज कॉल्ड। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इन्होंने क्या बोला है कि हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील का फेस है वो काफी स्मूथ और चमकदार दिखाई देने लगा है, साइन मारने लगा है, तो उसका कौन सा रीजन है? तो मैंने दो डिफेक्ट के बारे में आपको कई बार क्लियर किया है कि हमारे ग्राइंडिंग व्हील में दो डिफेक्ट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, लोडिंग एवं ग्लेजिंग होते हैं। लोडिंग की बात करें तो हमारे जो एब्रेसिव कण है वो डल होने के बाद भी हमारे ग्राइंडिंग व्हील पर चिपके रहते हैं, निकलते नहीं है, तो वहां पर हमारा ग्राइंडिंग व्हील काफी स्मूथ एवं क्या चिकना शाइनिंग मारता है, वो हमारा दोष होता है ग्लेजिंग दोष। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहां पर 72 नंबर का है कि एक पदार्थ द्वारा खरोंच या इंडेंड को दिया जाने वाला प्रतिरोध किसके किस गुणधर्म के कारण होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िए। बोला गया कि एक पदार्थ द्वारा, कोई मटेरियल के द्वारा खरोंच या फिर इंडेंट को दिया जाने वाला प्रतिरोध, यानी कि हमारा कोई मटेरियल है उस पर यदि हम खरोंच पैदा करें तो उसका जो प्रतिरोध करता है यानी कि उसको रोके, वो खरोंच हमारा नहीं आए उस मटेरियल पर, वो हमारा गुण, वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाएगी, वो हार्डनेस प्रॉपर्टीज कहलाएगी। यानी कि हमारा कोई मटेरियल हार्ड है उसके ऊपर यदि हम स्क्रेच डालेंगे तो इतनी जल्दी स्क्रेच नहीं आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ऊपर यदि हम स्क्रेच डालेंगे तो डल जाएगा अकॉर्डिंग टू आयरन। यानी कि जो हमारा लोहा है, माइल्ड स्टील है, उसके ऊपर स्क्रेच इतनी जल्दी नहीं डलेगा। तो हमारा प्रतिरोध कौन कर रहा है, क्योंकि हमारी स्टील एल्यूमिनियम से हार्ड है। तो आपको क्लियर हुई। सेकंड यहां से किस प्रकार से पूछ देता है कि ऐसा गुणधर्म जो दूसरे मटेरियल के ऊपर
खरोंच पैदा कर सकता है, तो वो भी हमारा हार्डनेस कहलाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अ जॉइंट बिटवीन टू पीसेस लेइंग इन द सेम प्लेन इज कॉल्ड ए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको क्या बोला गया कि हमने यहां पर दो पीसेस को आपस में जोड़ना है जो कि सेम प्लेन पर रखी है, दोनों प्लेट एक ही समतल पर रखी हुई है, तो वहां पर वो हमारा बट जॉइंट कहलाता है। यदि एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर ओवरलेप होती है, क्या दोस्तों, ओवरलेप होती है, वहां पर हमारा कौन सा जॉइंट कहलाता है, लैप जॉइंट कहलाता है। लेकिन यहां पर सेम प्लेन पर रखी हुई है, इसके लिए हम तीसरी प्लेट का यूज कर लेते हैं बट जॉइंट के लिए। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज कॉल्ड हमारा टॉलरेंस कहलाता है। अधिकतम साइज सीमा एवं न्यूनतम साइज सीमा के बीच का अंतर ही हमारा टॉलरेंस होता है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो नेक्स्ट हमारा ये टेक्निकल क्वेश्चन है। 75 क्वेश्चन टेक्निकल पूछे जाते हैं डीएमआरसी में, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है टेक्निकल। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एन इमल्शन ऑफ सर्वो कट्स इन वाटर इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सॉल्युबल ऑयल। यानी कि आपको क्लियर होना चाहिए जो हमारा सॉल्युबल ऑयल है, सॉल्युबल ऑयल में आपने जर्नली ये तो कई बार पढ़ा होगा कि 1:20 के रेशो में हमारा क्या होता है, ऑयल एवं वाटर का अनुपात होता है। अब यहां पर इन्होंने क्या किया है दोस्तों, यहां पर किया है कि आपको परसेंटेज में पूछ लिया है। क्या परसेंटेज में पूछ लिया है, तो यहां पर आप इजीली परसेंटेज निकाल सकते हो ना दोस्तों। जैसे कि 1:20 × 100 यदि आप करोगे तो 2500 हमारा कितना परसेंट इसमें ऑयल का मिश्रण है, तो मिश्रण हमारा 5% है। तो जरूरी नहीं है कि वो रेशो में ही पूछेगी, 1:20 के रेशो में हमारा क्या ऑयल और वाटर का मिश्रण होता है, यहां पर उन्होंने परसेंटेज में आपसे ऑयल की मात्रा को पूछा है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहां से करेक्ट आंसर, 5% हमारा ऑयल, 95% हमारा वाटर की मात्रा होती है जो इमल्शन हम बना, सॉल्युबल ऑयल हम जो बनाते हैं उसमें क्या होता है, 95% वाटर एंड 5% हमारा ऑयल की मात्रा होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि 1:20 का रेशो आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों ये हमारा फिटर मेंटेनर का क्वेश्चन पेपर था, इसके ये 75 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अन्य पार्ट यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दिए, वहां से जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे और आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, जिससे कंप्लीटली हमारा डिस्कस हो जाएगा डीएमआरसी का क्वेश्चन पेपर, और आगे हम अन्य शिफ्ट वाले क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।